बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज आप लोग साथ में शेयर कर रही हूँ सभी ब्रात स्पेशल सूजी का हलवा। ये पीस वाला हलवा बनता है, तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने दिया है आधा किलो सूजी, जितना हम सूजी लेंगे उसका 1/3 चीनी लेंगे। यहाँ पर मैंने दिया है 300 ग्राम चीनी। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितना आपको डालना हो। 4 छोटी इलायची, 2 तेज़पत्ता और घी। हलवा का मज़ा घी में ही आता है। अगर आप घी नहीं खाते तो रिफाइन में भी बना सकते हैं। तो पैन मैंने रख दिया गरम होने के लिए। अब हम इसमें डाल देंगे घी। घी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे सूजी, क्योंकि सबसे पहले हमें सूजी भूनना होगा। अब इसे अच्छे से चलाएंगे और हम भूनेंगे। ये ध्यान रखिएगा, सूजी भूनते वक्त आप कंटिन्यू चलाइएगा, वरना नीचे सूजी जल जाएगा और ऊपर का सूजी कच्चा रहेगा। इतने सूजी भूनते वक्त हमें कंटिन्यू चलाना होता है। और देखिए सूजी मेरा आधा भून चुका है। अब थोड़ा और हम इसे भूनेंगे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, अगर बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा तब भी हमारा हलवा बहुत ज़्यादा जला जला लगेगा, और कच्चा रहेगा तब भी हलवा अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें मीडियम ब्राउन भूनना है। तो देखिए हमारा सूजी भून गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। सूजी भूनने के बाद जब हम गैस को बंद करते हैं तो सूजी आप तुरंत निकाल लीजिएगा, वरना पैन हमारा गर्म रहेगा और सूजी उसमें जल जाएगा। तो देखिए सूजी मैंने निकाल लिया है। अब पैन में हम डाल देते हैं घी। अगर मेज़रमेंट के हिसाब से देखें तो आधा किलो सूजी में हम 100 ग्राम घी डालेंगे, क्योंकि सूजी जो होता है वह घी बहुत ज़्यादा सोखता है। तो हम 100 ग्राम इसमें घी डालेंगे। तो घी मैंने डाल दिया है पैन में। अब इसे हम मेल्ट होने देंगे। तो घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं इलायची और तेज़पत्ता। अब हम डाल देंगे छोटी प्याली पानी। पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें सीरा बनाना है। अब हम डाल देते हैं चीनी। चीनी हमारा घुल गया है। अब हम जो इसमें इलायची और तेज़पत्ता डाले हैं उसको हम निकाल देंगे, क्योंकि हमें पीस वाला हलवा बनाना है। तो इसमें इलायची और तेज़पत्ता अगर हमारे पीस में आ गया और मुंह में पड़ा तो बहुत ख़राब लगता है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप ज़्यादातर कोशिश करें कि इसमें पाउडर ही डालें। अब इसे हम अच्छे से पकने देंगे। फिर इसमें हम डाल देते हैं ड्राई फ्रूट। हलवा को फैलाने के लिए हम कोई भी प्लेन सतह का बर्तन लेंगे, जिसका सतह प्लेन हो। इसमें अगर डिज़ाइन बना हो तो हमारा हलवा का पीस अच्छा नहीं बनेगा। तो देखिए मैंने प्लेन सतह वाला थाल लिया है। अब हम इसमें घी लगाएंगे। घी लगाने से जो मेरा हलवा है वो बहुत अच्छे से निकल आएगा। तो मैंने थाल में घी डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से हाथ से फैलाएंगे। चारों तरफ हम इसे अच्छे से फैला लेंगे। सूजी का पीस वाला हलवा बनाने का मेन पार्ट होता है सीरा। तो सीरा हमें ध्यान से देखना होता है। अगर हमारे दो उंगलियों के बीच में सीरा हल्का चिपक रहा है तो हम सूजी कभी नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर इसमें हम सूजी डालेंगे तो पीस हमारा हलवा का बिल्कुल नहीं बनेगा। तो देखिए ये अच्छे से चिपक नहीं रहा है, इस वक्त हम सूजी नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर इस वक्त सूजी डालेंगे तो हमारा हलवा ख़राब हो जाएगा, पीस नहीं बनेगा। इसे थोड़ी देर तक और पकाएंगे। थोड़ी देर और पकाने के बाद चलिए सीरा को चेक करते हैं। तो देखिए ये हल्का हल्का चिपक रहा है। अब हम सूजी डालेंगे, क्योंकि अगर ये ज़्यादा चिपकने लगेगा तब अगर सूजी डालेंगे तो हमारा हलवा बिल्कुल टाइट हो जाएगा और वो खाने का नहीं किसी को मारने का काम आएगा। जब सीरा हो चुका है तो हम गैस को बंद कर देंगे, उसके बाद हम इसमें सूजी डालेंगे। अब सूजी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सूजी हमारा सीरा में बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम गैस को ऑन करेंगे।
तो गैस ऑन करने के बाद सूजी को हम थोड़ी देर तक पकाएंगे। तो देखिए सूजी को मैंने अच्छे से पका लिया है। अब हम इसे बर्तन में निकाल देंगे जो थाली मैंने रखा था। अगर आपको थोड़ा और टाइट चाहिए हलवा तो आप थोड़ा सा और पका दीजिए, लेकिन मुझे ज़्यादा टाइट हलवा नहीं चाहिए था। ये हलवा कैसा बनेगा जो ऊपर से टाइट हो अंदर से एकदम सॉफ्ट हो, वो बहुत अच्छा लगता है हलवा। तो देखिए थाल में मैंने डाल दिया है सूजी को। अब इसे रूम टेम्परेचर पर हम ठंडा होने देंगे। अगर आपका दिल करे तो आप ऊपर से भी ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, ये ऑप्शनल है। तो रूम टेम्परेचर पर हमने इसको ठंडा होने दिया है। अब ये 10 मिनट हो चुका है और थोड़ा ठंडा हो गया है। ठंडा जब होगा हलवा तो टाइट भी होगा। तो हलवा हल्का हल्का टाइट हो गया है। इस वक्त हम इसका पीस बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा तब भी हम पीस बनाएंगे तो पीस हमारा टूटने लगेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए मेरा पीस टेढ़ा जा रहा है। तो पीस मैंने कट कर लिया है। आप बड़ा छोटा जैसा आपको साइज चाहिए वैसा पीस कट कर दीजिएगा। अब फिर इसे हम आधे घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे। बिल्कुल जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसका पीस निकालेंगे। देखिए हलवा मेरा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। चलिए इसका पीस निकाल लेते हैं। देखिए ऊपर से टाइट है अंदर से सॉफ्ट है। जब ये और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा होता है। अंदर से बिल्कुल तोड़ेंगे आप तो सॉफ्ट होगा और ऊपर से टाइट होगा। तो आप भी अपने घर पे सोवरात में ये हलवा बनाइए। अगर आपको हलवा बनाना सूजी का नहीं आता है तब भी आप ये हलवा आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।